सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ इंजीनियरिंग चैनल मोनू, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ सहरसा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सहरसा। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ कि कितने परसेंटाइल तक बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। यदि हम कैटेगरी की बात किया जाए तो जनरल ओबीसी में अगर आपको इतना परसेंटाइल है तो जाकर सीएससी ब्रांच मिल जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि एमआईटी मुजफ्फरपुर के लिए आईटी ब्रांच के लिए यहाँ पर जाता है, परसेंटाइल 85 से लेकर 95 परसेंटाइल होना चाहिए। और ये कॉलेज की बात कर रहे हैं बीसी भागलपुर के लिए, तो भागलपुर के लिए ब्रांच होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप लेना चाहते हैं तो आपको परसेंटाइल होना चाहिए 84 से लेकर 94। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बीसी बख्तियारपुर के लिए सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 83 से लेकर 93 होना चाहिए। एनसी चंडी के लिए भी सीएससी ब्रांच के लिए आपको चाहिए 82 से लेकर 92। तो फ्रेंड्स, ये जो डेटा है पिछले ईयर कटअप के अनुसार बनाया है, आप लोग भी जानते हैं कि इस बार कटअप हाई जाने वाला है क्योंकि 33% जो है रिजर्वेशन गर्ल्स कोटा लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इतना होना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-2% इधर उधर हो सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं तो डीसी दरभंगा के लिए बात किया जाए तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो 81 से लेकर 92 होना चाहिए। एमसी मोतिहारी सेकंड में, एमसीएस मोतिहारी के लिए भी सीएससी बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां पर भी जाता है परसेंटाइल 80 से लेकर 90% तक होना चाहिए। सीएससी गया के लिए बात किया जाए तो सीएससी गया के लिए 78 से लेकर 88 होना चाहिए। एलएनजेपी छपरा भी बहुत अच्छा कॉलेज है, वहां पर भी सीएससी का बहुत ज्यादा डिमांड होता है क्योंकि प्लेसमेंट सीएससी का बहुत ज्यादा होने लगा है, सीएस और सीएससी का ज्यादा हो रहा है। इस बात एलएनजेपी की बात कहा जाए सीएससी के लिए 30 से आपको 89 या 90 होना ही चाहिए। आरआरएसडीसी बेगूसराय की बात किया जाए तो सीएससी के लिए 70 से लेकर 80% होना ही चाहिए। और आगे बात किया जाए सीएससी पूरे कॉलेज का है, पूरे कॉलेज का सिलेक्शन किए हैं यहाँ पर। यहाँ पर मधेपुरा की बात किया जाए तो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको होना चाहिए, आपको जेई परसेंटाइल होना चाहिए 68 से लेकर 78, यानी कहने का मतलब 80% होना चाहिए। एसआईटी सीतामढ़ी के लिए यदि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप लेना चाहते हैं तो 65 से लेकर 75 होना चाहिए। किसी कटिहार के लिए, कटिहार कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए तो आपको परसेंटाइल होना चाहिए 64 से लेकर 74 तक होना चाहिए। इसी सासाराम की बात कहा जाए यहाँ पर तो सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 60 से लेकर 70% होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही था आप लोग का परसेंटाइल का कॉलेज, कितना परसेंटाइल का कौन सा कॉलेज सीएससी ब्रांच के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का एक कहना है कि काउंसलिंग जो है होता है तो काउंसलिंग खुद से करें, और एक अच्छा जो टॉप कॉलेजेज है उसको पहले, यदि आपको सीएससी लेना है तो टॉप कॉलेजेस को चॉइस करके ऊपर प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही आप लोग को बताना था। तो थैंक यू सो